एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हो गई है और मैं लेट सोई थी, 2 बजे सोई थी रात को, और अभी उठी हूँ। आंखें देखो कैसी हो रही हैं। अभी वॉशरूम भी नहीं गई, मुंह भी नहीं धोया है, तो मॉर्निंग का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। और देखो चूड़ियाँ निकाली थी, हाथ कैसे लग रहे हैं मेरे, कितने गंदे गंदे हाथ लग रहे हैं ना, ये देखो अजीब अजीब से लग रहे हैं। तो यहाँ पर ना इयर रिंग वगैरह सब निकाले थे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मतलब पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था कान में। तो अब सो के मैं उठ गई हूँ, मॉर्निंग का व्लॉग शुरू कर चुकी हूँ। अभी मैं जा रही हूँ कहाँ, नहाने के लिए। तो नहा कर आती हूँ, उसके बाद में आप लोगों के साथ में बात करते रहेंगे बीच बीच में, और व्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे। तो आप लोग ऐसे ही इतना प्यार बनाए रखिएगा, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट। और ये देखो हमारे डियर हस्बैंड लेटे हुए हैं, और इनका हो रहा है मूड ऑफ, क्योंकि ये मुझे ना उठते ही मेरे ऊपर बरसना शुरू हो जाते हैं किसी ना किसी बात को लेकर। तो चलिए कोई नहीं है, तो हस्बैंड वाइफ की नोक झोंक चलती रहती है हर घर में। तो अब हम चल रहे हैं फटाफट से वॉशरूम में। आँखें खुल नहीं रही हैं, जब तक मुँह नहीं धोऊंगी आँखें खुलेंगी। तो लेट हो चुका है, कितने बज रहे हैं जानवी, कितने बज रहे हैं जानवी, टाइम कितना हो रहा है जानवी, 11:15 11:15 का टाइम हो चुका है, रिकॉर्ड टूट गया है आज हमारे सोने का, 11:15 के का टाइम, और अनु बढ़ाना उठ रही है अब। तो चलिए फिर चलते हैं और करते हैं अपना व्लॉग कंटिन्यू, और जाते हैं अपना नहाने के लिए। नहा के फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि अभी उठी हूँ, बट चाय पीने की डग उठ रही है मेरे को, चाय पीनी है। 5 minutes later तो ये देखिएगा, पहले मैं इनको दूध में नहलाती हूँ, और मैं नहला चुकी हूँ, और अब मैं इनको बिल्कुल सिंपल पानी में नहला रही हूँ। और नहलाने के बाद में इनको मैं टॉवल से पोंछूंगी और कपड़े पहना। अगर मिल जाए उसमें से थोड़ा कुछ देखिए, थोड़ा सा देखिए, अगर मिल जाए थोड़ा देखिए, थोड़ा नहीं मुझे पूरी नहीं की नहीं देखिए, पानी तो पानी पानी चली गई। हाँ नहीं
तो यहाँ पे किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ मैं, और आज मैं बना रही हूँ चटनी लाल मिर्च और हरी मिर्च को मिक्स करके। तो यहाँ मैं कट कर रही हूँ लहसुन और हरी मिर्च। तो कभी कभी चटनी के साथ भी खाना खा ही लेना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। A few moments later. ये देखो डफी कहाँ बैठा हुआ है, और ये देखो कहाँ पड़ी हुई है, इसका हाल देखो, ये देखो, और मुंह ढक लिया इसने। पहले इसको पता था मम्मी का कैमरा आने वाला है। और ये बैठी है पलक। हेलो बोल पलक। तेरी वीडियो डिलीट हो गई थी वो जुगरी मेरे से, तो हेलो तो बोलनी चाहिए ना। बोल बोल, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हेलो। काला काला आ रहा है, काली वीडियो आ रही है, काली वीडियो आ रही है। और लाइट टोट जलाइए, टोट जला। ओए वो करियो जरा इसका, फ्लैश लाइट चला। डब्बी को दिखाओ, ये डब्बी देखो, डब्बी ये तो देता है, पार्टी ज्वाइन करता, देखो किस तरह से खड़ा हुआ है। इसको समोसा मिला है और अभी मिलेगा, लेकिन ये बेचैन हो रहा है। फिर भी शाम हो चुकी है और शाम के बज रहे हैं, शाम क्या रात हो गई है, रात के 8 o'clock हो रहे हैं। और अब मैं बना रही हूँ खाना, खाने में मैं बना रही हूँ आज उड़द की दाल, जो काली दाल होती है, तो वो मैंने बनने के लिए रख दी है। पहले हम दाल बना लेंगे, उसके बाद में तड़का लगा देंगे। तो पहले दाल बनने रख दी है मैंने, ये देखिएगा कुकर में रख दी है गैस जला करके। और यहाँ पे रखे हैं हमारे, ये रखी है मटर, और ये इसमें खीरे हैं। इसमें आज आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि ब्लीच कैसे करते हैं। ये तो पता है सभी को, सब लोग करते हैं, बट मैं जैसे करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये है हमारी ब्लीच, और ये है, तो इसको मैं अभी मतलब यहाँ पर रेडी कर रही हूँ लगाने के लिए। तो देखते रहिएगा मेरी वीडियो और ध्यान से देखिएगा मैं जिस तरह से यूज़ कर रही हूँ, आप भी उसी तरह से करना, तो वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होगी। वरना तो ज़्यादातर ब्लीच जो होती है हार्मफुल होती है, और हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा क्या करती है, ख़राब करती है। तो चलिए करते हैं अपनी ब्लीच रेडी। ये है हमारी ब्लीच, और हम स्पून से लेते हैं, बट मुझे मिली नहीं है, तो मैं ब्रश से निकाल रही हूँ। ब्रश लेकर भी निकाल सकते हैं, और ये मैं सिर्फ एक फेस के लिए निकाल रही हूँ, तो ज़्यादा क्रीम हम लेंगे नहीं। और इसके अंदर अब हम डालेंगे एक्टिवेटर, ये देखिएगा भी बताया, तो ये हम पिंच के हिसाब से लेंगे। ये देखिएगा ये हमारी ब्लीच है, तो मैं इसमें 2 pinch ले लूँगी, ये 1 pinch के करीब ही है, इसको मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और
अच्छे से हम करेंगे इसको इस तरह से अच्छी तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखिएगा, और इसको तब तक चलाते रहना इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में दोनों तरह से कर रही हूँ। तब तक ये ब्लीच और एक्टिवेटर दोनों मिक्सअप हो चुकी है। ब्लीच और एक्टिवेटर अच्छे से मिक्स हो गए हैं आपस में, ये देखो। और ये अब हमारे फेस पे लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये बिल्कुल भी हमारे फेस को स्किन को हार्म नहीं करेगी। तो इसी तरह से आप भी बनाइएगा ब्लीच को फेस पे लगाने के लिए और यूज़ कीजिएगा। मैं अपने फेस पे लगाने वाली हूँ, एक स्टेप और है ये, जिसको भी लगाऊंगी और इसके बाद में फिर से वॉश कर दूंगी अपना फेस। वॉश नहीं करूंगी मतलब जेंटल मसाज करनी होगी इस तरह से, और उसके बाद क्लीन कर लेंगे। रखूंगी 15 मिनट या फिर 10 मिनट रखनी जरूरी है, बल्कि चेक कर लेना चाहिए। जब तक हमारे हेयर गोल्डन नहीं हो जाते तब तक हमें रखना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो ये 10 मिनट के लिए काफ़ी हो जाती है। तो 10 मिनट रखने के बाद में मैं इसको वॉश कर दूँगी अच्छे से और फिर दिखा दूँगा। तो इसको हम इस तरह से निकाल देंगे। मैं फेस वॉश करके आ चुकी हूँ, एकदम क्लीन हो गया है। देखो कितना ग्लो भी आ रहा है ना। तो ये जो मैंने ब्लीच की है इसका नाम है, बहुत अच्छा वर्क करती है। रात हो चुकी है और 11:30 बज रहे हैं, 11:30 का टाइम है, सोने की हमारी तैयारी है। तो चलिए फिर हम सोने से पहले कर देते हैं आज की वीडियो का यहीं पर एंड। मिलते हैं कल एक अच्छे से और प्यारे से ब्लॉग में। तब तक आप लोग देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। जो चैनल पर नए हैं, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।